भी शांति से नहीं, तो हम यहाँ पर कौन से शांति से बैठे हुए थे? सबके चेहरे पर टेंशन थी कि तुम्हें आने में की देरी क्यों। देखो वसुंधरा, इस बार तो मैंने तुम्हें अवध की वजह से जाने दिया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की ना तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुदी कहाँ खोई हुई हो? प्रतीक की यादों में डूबी हो या फिर वसुधा दी के पैसे लौटाने की टेंशन है? दोनों ही टेंशन है। पैसे लौटाने की टेंशन तो ठीक है, पर प्रतीक की क्यों? कोई बात हुई है क्या? शिवानी, मैं प्रतीक वाली बात घर में और वसुधा दीदी को जल्दी ही बताना चाहती थी, लेकिन घर में इतनी टेंशन है कि मैं कैसे बताऊं? माँ दीदी के कंगन बेचने की बात को लेकर इतना परेशान है, और वसुधा दीदी अपने ससुराल में एक हफ्ते में पैसा लौटाना है, उस बात को लेकर कितना परेशान होंगी। ये बात तो है दीदी, पर माँ भी तो जिद पकड़ कर बैठी है ना कि अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो वो ये घर गिरवी रख देंगी। पर ये सही नहीं है, माँ को दीदी पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और दीदी ने आकाश भैया की पढ़ाई के लिए जेवर बेचे हैं ना, कहीं लुटा थोड़ी दिए हैं। और उनके ससुराल वालों को भी ये बात समझनी चाहिए। माँ को इसी बात का तो डर है, दीदी को अपने ससुराल में कितनी बातें सुननी पड़ रही होंगी। माँ इसीलिए तो जिद करके बैठ गई कि पैसे लौटाने ही है, लेकिन 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। दीदी अब टेंशन मत लो, अभी एक हफ्ते का समय है ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। बस एक बार पैसे वापस हो जाए ना, फिर आप प्रतीक वाली बात सबको बता देना। वो तो ठीक है शिवानी, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रतीक के घर वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं और उस पर दबाव डाल रहे हैं। वो तो आज भी कह रहा था कि मैं अपने घर पे उसकी बात करूं। तो क्या उसने अपने घर वालों को आपके बारे में बता दिया है? नहीं, अभी नहीं। वो बोल रहा था कि पहले मैं अपने घर में बता दूं। अगर यहाँ पे सब मान जाएंगे तो वो भी अपने घर पे सबको बता देगा। प्रतीक के घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रतीक की खुशी में ही उन सबकी खुशी है, बस वो उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं। ये तो मुश्किल है ना दीदी, अभी हम प्रतीक के बारे में ना तो माँ को बता सकते हैं और नहीं वसुधा दीदी को। आपको प्रतीक को मनाना होगा कि वो कुछ दिन और रुक जाए। मैंने कहा था, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। उसके घर वाले तो जिद करके बैठ गए हैं। प्रतीक भी तो मजबूर है ना, वो अपने घर वालों की खुशियां भी तो देखेगा ना। कमाल है ना दीदी, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही अपने प्यार से ज्यादा अपने घर वालों की खुशियों को अहमियत देते हो, उनकी चिंता करते हो। तो क्या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए दीदी, मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आप एक बार समझा के तो देखो उसे, वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेगा। कितनी बार समझाऊं शिवानी, घर में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी बात सिर्फ वसुधा दीदी समझेगी, और वसुधा दीदी खुद इतनी प्रॉब्लम में है कि मुझे लगता है कि प्रतीक की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देंगे और मैं प्रतीक को खो दूंगी। दीदी खुद को संभालो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भैया क्या बात है, आप इतनी रात को यहाँ बैठे हुए हो? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही ना। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। भाभी ने कुछ कहा क्या, या ऑफिस की कोई टेंशन? दोनों ही बात नहीं। दरअसल चाचा जी का मेल आया, वो जल्द ही वापस आ रहे हैं। ओह, तो ये बात है। लेकिन भैया आप इस पे डरने या घबराने वाली क्या बात है, आपने तो सारी प्लानिंग कर रखी है ना। और आपकी हिम्मत को देख के मैंने भी अपने खेल का तरीका बदल दिया। अब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, मैंने भी अपने कदम उसी रास्ते पे बढ़ा दिए। भैया डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर चाचा जी को संभाल लें। अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ कि जो प्लानिंग मैंने सोची है वो सफल होगी या नहीं। क्यों भैया, आपको कहीं कोई डाउट है क्या? आप तो कह रहे थे कि आपने फुल प्रूफ योजना बनाई है। हाँ, पर मेरी योजना तभी सफल होगी जब चाचा जी के लौटने के बाद वो सीधे ऑफिस आए और वहां का काम धाम देखे, जो मैं अच्छे से संभाल रहा हूं। फिर उन्हें मुझसे पता चले कि वसुधा ने कंपनी में काम छोड़ दिया है, तब मैं अपने प्लानिंग के तहत चाचा जी के सामने इस घटना की पूरी स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है अपने तरीके से सुनाऊंगा, जिससे सारा दोष सारी गलतियों ने वसुधा की लगेगी। हाँ तो ठीक है ना भैया, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आपको क्या लगता है, चाचा जी हमारी कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि भाभी के गहने बेचने वाली बात सिर्फ यहाँ नहीं, भाभी के घर तक पहुंच चुकी है। ये आग भी मैंने ही वहां जाके लगाई है, और इस तरह लगाई है कि भाभी की माँ भी भाभी को ही गलत मानती है। यानी कि इस मामले में भाभी का साथ देने वाला कोई नहीं, न यहाँ पर और ना ही भाभी के मायके में। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या? अगर चाचा जी वापस लौटने के बाद सीधे ऑफिस नहीं आए तो? उन्होंने पहले ही वसुधा से फोन पे बात कर ली तो? या फिर वसुधा को ही अपने पास मिलने बुला लिया तो? फिर वसुधा उन्हें क्या कहानी सुनाएगी क्या नहीं सुनाएगी हमें कुछ नहीं पता होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम तो हो सकती है, और चाचा जी तो भाभी की हर कहानी पर विश्वास कर लेंगे। फिर हम लाख सफाई दे भैया, पर चाचा जी हमारी नहीं सुनेंगे। यही एक समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना होगा। हमें हर हाल में चाचा जी को हमारी कहानी सुनाने से पहले वसुधा से मिलने से रोकना होगा। लेकिन भैया चाचा जी तो सीधे ऑफिस ही आएंगे ना, उन्हें थोड़ा ना कुछ पता है कि यहाँ उनके पीछे से क्या क्या हुआ है। उन्हें तो यही पता है ना कि भाभी ऑफिस में काम करती हैं, वो तो सीधे ऑफिस ही आएंगे भाभी से मिलने। हो सकता है, लेकिन मैं जरा सी भी रिस्क नहीं ले सकता। मुझे श्योर होना है कि चाचा जी किसी भी कंडीशन में वसुधा से नहीं मिल पाए। भैया एक तरीका हो सकता है जिससे भाभी की चाचा जी से बात ही नहीं हो पाएगी।
हम ना भाभी के मोबाइल में चाचा जी का नंबर ही ब्लॉक कर देते। चाचा जी फोन लगाएंगे तो उन्हें बिजी टोन मिलेगा, जबकि भाभी को पता ही नहीं चलेगा कि चाचा जी ने उन्हें फोन लगाया था। ऐसा हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है भैया। अब एक काम कर, भाभी अंदर सो रही है ना? हाँ। आप चुपके से अंदर से जाके भाभी का फोन ले आओ, मैं चाचा जी का नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी लाता हूँ। अब देखती हूँ कि भाभी की मुलाकात चाचा जी से कैसे होती है। पहले तो भाभी को पता ही नहीं चलेगा कि चाचा जी वापस आ चुके, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो हम चाचा जी को अपनी कहानी खोट खोट के पिला चुके होंगे। ये लो भैया, आपका काम तो हो गया, अब आप आराम से सो जाओ। गुड। अब दिखाता हूँ मैं चाचा जी अपनी बनाई हुई फिल्म। मम्मी, कल चाचा जी का मेल आया था, वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाले। अच्छा, तो तू फटाफट ऑफिस का सारा काम अच्छे से व्यवस्थित कर ले, ताकि तेरे चाचा को लगे कि तूने सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मम्मी तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने सारे ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। और हाँ, ध्यान रखना कि चाचा जी की मुलाकात वसुधा से ना हो पाए। नहीं हो पाएगी मम्मी। मुलाकात तो क्या, भाभी की तो चाचा जी से फोन पे भी बात नहीं हो पाएगी। तुम दोनों मुस्कुरा रहे हो, दोनों ने कुछ किया है क्या? मम्मी, हम लोगों ने भाभी के फोन में ऐसी सेटिंग की है कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि चाचा जी ने उन्हें फोन भी किया था। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, तभी तो ये काम किया है हमने। हाँ मम्मी, हमने तो प्लानिंग कर ली है, लेकिन अब आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। हमें अभी से चाचा जी के वापस आने तक भाभी के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। नॉर्मल? तो क्या मैं उसकी खुशामद करूं? हाँ, अगर थोड़ी बहुत खुशामद करनी भी पड़े ना तो करनी पड़ेगी। मम्मी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, एक बार मेरा सारा काम हो जाए उसके बाद आपको वसुधा से जैसा व्यवहार करना है वैसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मम्मी, कभी कभी ज्यादा पाने के लिए ना अगर थोड़ा बहुत खोना भी पड़े ना तो खो देना चाहिए। मन से ही ना सही, ऊपर से सही, क्या फर्क पड़ता है दिखावा करने में। बस आप अभी से ही प्यारी सी सास बन जाइए, अच्छी अच्छी सी, हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करने वाली, समझी? मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। You done, zindagi ki.
अरे लो भाभी भी आ गई। अरे भाभी आज फिर सुबह सुबह क्या बात है भाभी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मम्मी जी मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। माला के बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा है मेरा, कल भी नहीं जा पाई थी ना, पता नहीं माला क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। प्लीज एक बार जाने दीजिए ना। मम्मी जाने दीजिए ना, उस दिन तो रात थी तब आपने रोका था, आज तो दिन है। ठीक है लेकिन नाश्ता करके जाना। हाँ हाँ मम्मी ठीक कह रही है, नाश्ता करके जाओ, पता नहीं वहां कितनी देर लग जाए। बैठिए ना भाभी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुमन मैं नाश्ता वहीं कर लूंगी। नहीं भाभी आपको नाश्ता करके ही जाना होगा। हाँ बैठिए ना, मैं फटाफट गर्मा गर्म पराठे बना के लाती हूँ। मेरे हाथों के स्वादिष्ट पराठे थोड़े आप खा लेना और थोड़े पराठे मैं पैक कर दूंगी। माला और उसकी बच्ची के लिए, अब पता नहीं उन दोनों को हॉस्पिटल में कैसा नाश्ता मिल रहा होगा, है ना? लेकिन सुमन ओ भाभी इतना मत सोचिए, चलिए आइए, चलिए चलिए बैठिए, मैं सबसे पहले आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और फिर गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? रुकिए। मेरा राजा बेटा अभी बिल्कुल ठीक है ना? ये तो बहुत छोटी सी चोट है, मामूली सी, अगर अच्छे से खाओगे ना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मामा हम घर वापस कब जाएंगे? बस बेटा 2-3 days में फिर भाई ठीक हो जाएगा, फिर घर चलेंगे। तो मामा मैं स्कूल उसके बाद जाऊंगी। हाँ बेटा एक बार घर चले जाएं, फिर तुम स्कूल जाना। और मम्मी मैं कब स्कूल जाऊंगा? जब तुम ठीक हो जाओगे तभी स्कूल जाओगे। अभी बातें कम, खाना खा। और नहीं खाना? खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? घर जाना है ना तो फिर अच्छे से खाओ, अच्छे से खाना भी पड़ेगा पीना भी पड़ेगा, टाइम टू टाइम जूस भी और दूध भी, समझे? तभी तो घर जाएंगे। बस मम्मी और नहीं खाना। माला वसुधा आओ ना। चिराग बेटा कैसे हो? अब कैसा है ये? पहले से बेटर है, घाव भी तेजी से भर रहा है, लगता है जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा है तब तो। और दिया बेटा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। माला मैं कुछ पराठे लाई हूँ तुम लोगों के लिए, आलू के हैं। अरे वाह, लेकिन मैंने इन्हें अभी अभी नाश्ता कराया है, बाद में खिला दूंगी। ठीक है। मसुदा कल क्यों नहीं आई? वो मैं समझ गई। दिया बेटा आप भाई के साथ यहीं बैठो, मम्मा आंटी के साथ बाहर थोड़ी सी बात करने जा रही हैं।
ठीक है मामा। जब रात को देर हो रही थी तो मुझे घर पर फोन कर देना चाहिए था, पर हड़बड़ी में मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। अब बताओ घर पे सब ठीक तो है? वो परसों मुझे रात में यहाँ से जाने में लेट हो गया था ना, तो घर पे सब बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर मैं समझ गई गलती मेरी है। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे घर पर प्रॉब्लम चल रही है मैंने तुम्हें रोका, मुझे नहीं रोकना चाहिए था। अरे नहीं माला, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। जब रात को देर हो रही थी तो मुझे घर पर फोन कर देना चाहिए था, पर हड़बड़ी में मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। अभी तो घर पे बता के आई हो ना? हाँ, इनफैक्ट ये पराठे मेरी ननद ने ही बना के दिए हैं। इन्होंने और मम्मी जी ने मुझे खुशी खुशी आने की अनुमति दे दी, जबकि मैं तो पूछने से ही डर रही थी। ताज्जुब, वैसे तुम्हारे परिवार वालों का भी ना कुछ समझ नहीं आता, कब कौन सा रंग बदलेंगे पता नहीं। हाँ माला, जब भी वो जरूरत से ज्यादा खुशी दिखाते हैं ना, प्यार दिखाते हैं, तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है, लगता है कुछ होने वाला है। ऑब्वियसली जितना मैं तुम्हारे परिवार वालों को जान पाई हूँ, तुम्हारे अंदर उनके लिए ये डर होना स्वाभाविक है। इनफैक्ट तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ डॉक्टर क्या कह रहे हैं, चिराग को कब तक डिस्चार्ज कर देंगे? 3-4 दिन और लगेंगे, घाव तेजी से भर रहा है, बस टांके काटने के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। चलो अच्छा है, एक बार चिराग घर आ जाए तब तुम भी काम करना शुरू कर दो। मैंने मालती दीदी से एनजीओ में बात भी कर ली है, वो काम पर तो रख लेंगी पर सैलरी थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, अभी मुझे काम की सख्त जरूरत है, सैलरी कम भी चलेगी। और वैसे भी अब मेरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल चुका है। बस कल सुबह चिराग के टांके काट दिए जाएंगे, उसके बाद आप कभी भी घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप तो ये सब दीदी की भलाई के लिए कर रहे हो, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर इनसे उनकी खुशियां वापस नहीं आई तो? तुम अर्चना के ऑफिस में काम करते हो और यहाँ मुझसे मिलने आए तो जरूर अर्चना के बारे में ही बात होगी।